अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। दोस्तों, कल यूपी के अंदर दूसरे चरण का मतदान होना है। ख़ास बात आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी के 19 उम्मीदवार जो है मैदान में हैं। कल वोटिंग होगी यूपी के अंदर, तो आपको विस्तार से हम बताएंगे कि कौन कौन से सीट है और कौन कैंडिडेट है जिनका जो है कल दूसरे चरण में मतदान होना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नागपुर विधानसभा से रिजवाना है। वहीं नंबर दो की बात की जाए तो सहारनपुर विधानसभा से मरगूब हसन। देवबंद सीट जो काफ़ी चर्चा में रही है, उमेर मदनी साहब यहां से है। और देवबंद के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे जो है कहीं ना कहीं जो है एमआईएम जो है बड़ी मार्जिन से जो है आगे बढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आए हैं कि एमआईएम का जो है ग्राफ देवबंद में लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उमेर मदनी जैसे कैंडिडेट जो है वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं देवबंद के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर चार की बात की जाए तो नगीना विधानसभा, जहाँ से ललिता कुमारी है, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एमआईएम की तरफ से मानी जा रही है। वहीं आपको बात की जाए नंबर पाँच की तो बरहनपुर विधानसभा बिजनौर से मोइनुद्दीन है। नंबर छः की बात की जाए तो बिजनौर है एडवोकेट मुनीर बेग, ये भी काफ़ी टक्कर देंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। ऐसा बताया जा रहा है कि इनका भी अच्छा खासा प्रभाव है अपने विधानसभा में। वहीं दोस्तों बात की जाए चांदपुर बिजनौर के बारे में तो यहां से यासिर अरफात साहब है। वहीं बात की जाए नंबर आठ की तो कांट विधानसभा मुरादाबाद से रईस मलिक है। वहीं बात की जाए नंबर नौ की तो मुरादाबाद रूरल से जो है मोहित फरगनी है। नंबर दस में मुरादाबाद नगर से वकील राशिद है, और वकील राशिद के बारे में ये सूचना आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट में खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो मुकाबला जो होना है मुरादाबाद नगर में, ये जो तीन तरफा मुकाबला होगा समाजवादी पार्टी बीएसपी और एमआईएम के बीच होगा। तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि रिजल्ट नतीजे के दिन रिजल्ट में क्या नतीजा आता है। वहीं बात की जाए कुंदरकी विधानसभा नंबर 11 की तो हाफिज वारिस वो कैंडिडेट है, और हाफिज वारिस के बारे में यही बताया जा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं अपने विधानसभा के अंदर। बाकी जो फैसला है वो मतदाता करेंगे। कल मतदान होना है यूपी के अंदर दूसरे चरण के, और रिजल्ट का फैसला 10 तारीख को आने वाला है। दोस्तों, वहीं बात की जाए बिलाड़ी विधानसभा जो मुरादाबाद में, खालिद जमा बबलू खान साहब। वहीं बात की जाए असमोली से जो है संभल से शकील अशरफी है। वहीं संभल विधानसभा से मुशीर तरीन है, और धनोरा विधानसभा से गीता रानी है। नौगवा सादत से एडवोकेट मोहम्मद आदिल है। वहीं बात की जाए नंबर 17 की तो हसनपुर विधानसभा से मौलाना एहतशाम रजा है। और वहीं बात की जाए नंबर 18 की तो बिथड़ी चैनपुर विधानसभा से तौफीक प्रधान है। और नंबर 19 की बात की जाए तो बरेली विधानसभा से शाहीन रजा खान जो है वो एमआईएम पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी जो चुनाव जो होने वाला है काफ़ी टक्कर का होने वाला है, और कल ही जो है वो मतदान है दूसरे चरण का, जिसमें एमआईएम के 19 उम्मीदवार है, 19 कैंडिडेट है मैदान में। तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या नतीजा सामने आता है। यहाँ ख़ास बात जो मैंने आपको बताया है, चाहे उमेर मदनी साहब हो, यासिर अरफात साहब हो, रईस मलिक हो, या फिर हाफिज़ वारिस हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे इसमें दमदार नज़र आ रहे हैं जो सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कहीं बीएसपी को टक्कर दे रहे हैं, तो कहीं उमेर मदनी जैसे कैंडिडेट है जो कि उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखने वाली सब बात ये होगी कि आने वाले विधानसभा में क्या होता है। साथ ही दोस्तों, आप ये क्लिप को देखते जाएँ, ये वीडियो क्लिप है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए, देखे इस रिपोर्ट को। आप साहब तो किसी की तरह भी देख ही नहीं सकते, वो समझते हैं कि मैं अगर खा लिया मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का भूखों का पेट भर जाता है। नवाब साहब ये समझते हैं कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की? अगर एक गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर एसपी बन सकता था, मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है, मजलिस जब हिस्से जारी की बात कर रही है तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्से जारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अभी कोई लाके बताए ये नवाब का ये नाला है, नवाब का ये नारा है, खाली ब्लॉक हमारा, नवाब का ये नारा है नाला, अभी हम अभी नवाब का ये नारा है कब्रिस्तान मेरा है, क्या बात है बताइए आप। अरे हम भी राजनीति में चार मरतबा का एमपी हूं, दो मरतबा का एमएलए बना हुए, अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे एमएलए मैं बैठता हूं, हमारे चम्वाली हैदराबाद के कॉरपोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, वो दारुसलाम में जब दाखिल होता तो वहां से पहले पुकार के बोलता सलाम अलैकुम, और अंदर आने से पहले बोलता आप हमारा काम नहीं किए, आप एमएलए ऐसा नहीं किया, आपका कॉरपोरेटर ऐसा नहीं किया, और अंदर आते ही शुरू हो जाता। ये मिजाज संबंध में मैं पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। आवाम को बोलना चाहिए, अगर कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुबहानहू ताला के फजल और करम से आपकी दुआ और वोटों से मुशीर साहब यहाँ के नए विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, खादिम के तौर पर आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही मिजाज मजलिस का है, और इसीलिए हमारी जान पर हमला होता है, इसीलिए इम्तियाज जलील को उनको तरजीह दी जाती, मगर ये मिजाज मजलिस दे रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप 14 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इन एक बार 5 साल के लिए आप मजलिस के अपने वोट दीजिए। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, संबल को आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक मतलब आकर बैठूंगा दीपा सराय में आपके पास, मैं आऊंगा और आपके दरमियान में बैठूंगा, और फिर हिंदू पूरा खेरा की आवाम को भी मेरा सलाम पहुंचाना। आखिर भी हम जैसे दीवाने को बहुत चाहने वाले हैं। मैं आऊंगा, आपके 5 साल का मौका मजलिस को दीजिए, संबल में हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मजलिस में 5 साल में वो काम करेगी जो 30 साल में नवाब ने गारत कर दिया अपने 30 साल को, मजलिस 5 साल में काम करके दिखाएगी। और लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे, अरे हर चीज क्या सत्ता में आने से होती है क्या, ये भी तो एमएलए विधायक थे, सुनिए क्या ये जब विधायक थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या ये मंत्री नहीं थे, क्या ये विधायक थे जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे, उसने क्या किए, क्या किए सोचो आप। तो मजलिस